भोपाल में पदभार ग्रहण का सिलसिला जारी है, जहां कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने लघु उद्योग निगम में अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने पूजन अर्चन के बाद लघु उद्योग निगम अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया है। इस दौरान कश्यप के साथ विभाग के अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए लघु उद्योग निगम अध्यक्ष चैतन्य कश्यप ने अपनी प्राथमिकता बताई है। कांग्रेस की अपनी सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 साल रही है और उस समय में अगर इसमें कोई समस्या थी तो इनको उस समय में भी निर्णय लेना था, और जब जब भी ये बड़ी हार इनको मिलती है तो यह कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढते हैं कि हम उस हार से लोगों की मानसिकता कैसे बदले, परंतु देश की जनता समझ चुकी है कि आज कांग्रेस अस्तित्वहीन हो चुकी है और इस तरीके के बेबुनियाद आरोपों को लगाने का एक क्रम उन्होंने बना रखा है, और इस बारे में चुनाव आयोग ने हमेशा से स्पष्टीकरण भी दिए हैं, उसके बारे में जो जो प्रमाण भी चाहिए वो सारे प्रस्तुत करे हैं, और मुझे लगता है दुनिया के अंदर अब स्वीकार्यता इस जो व्यवस्था को भारत में स्वीकार करा है उसकी स्वीकार्यता कई देशों में बढ़ने लगी है, तो मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ एक चुनाव हारने के बाद का अपना जनता का ध्यान बटाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने एक विषय को आगे बढ़ाया है, और मुझे इसमें कोई गंभीरता नजर नहीं आती। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजधानी भोपाल में पदभार ग्रहण का सिलसिला जारी है, जहां कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने लघु उद्योग निगम में अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ भोपाल।